नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों दोस्तों मैं बड़े दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वीडियो रेगुलर नहीं बनाने का कारण भी बताऊँगा दोस्तों और आपसे काफ़ी सारे बात भी करूँगा और मैं आपसे और आपसे जो है रेगुलर वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वीडियो मैं रेगुलर क्यों नहीं बना रहा था मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों शायद अगर आप लोग यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि जो यूट्यूब पर काम करते हैं उन्हें कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती है जो जिन्हें जानना जरूरी है नहीं तो आप जो है मेरी तरह ही आपको स्ट्राइक मिल सकती है या और और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या चैनल भी डिलीट हो सकता है इसीलिए आप लोग आप अगर नए यूट्यूब हैं यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं नए यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देख कर के आपको जो है इन सब चीज़ों से आप आपको बचाव मिल सकता है और आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी जो जो मुझे मिल मिल चुका है तो मैं चाहता हूँ कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और नए यूटूब नए एज ऐज़ यू, नए यूट्यूबर के तौर पर आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सके तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था मुझे जो कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा था चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूट्यूब ठीक है यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसके वजह से हमें जो है स्ट्राइक मिल गया था यहाँ पे इसी ये पॉलिसी का नाम है देख लीजिए यहाँ पे है हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज़ दोस्तों ये ऐसा पॉलिसी है इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है कई नए यूट्यूबर्स को जो है दोस्तों स्ट्राइक मिल चुकी है और कई चैनल डिलीट हो चुके हैं ज़्यादातर जो ये पॉलिसी जब से चालू हुई है शुरू हुई है तब से जो है नए यूट्यूबर्स को काफ़ी परेशानी हुई है ये परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बस इसे समझना ज़रूरी होता है दोस्तों ये जो पॉलिसी है हमारे लिए ही बना हुआ है जो क्रिएटर है व्यूवर्स है उसके लिए ही बना हुआ है उसके प्रोडक्शन के लिए ही बना हुआ है तो चलिए आइए हम जानते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है और क्या चीज़ें हैं और ये पॉलिसी क्या क्या हमें आदेश देता है क्या करने पर रोकता है और क्या नहीं करने पे आपको जो है ये डायरेक्शन बताता है कि क्या आपको नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखिए हरासमेंट ठीक है हरासमेंट दोस्तों हरासमेंट यानी आप किसी को परेशान किसी के आप अपने वीडियो के माध्यम से जो है आप अपने वीडियो के माध्यम से जो है किसी को भी आप परेशान चाहे आप बोल करके धमकी दे करके या किसी भी तरह से आप जो है उन्हें अपशब्द बोल करके आप वीडियो नहीं बना सकते हैं ठीक है इसका मतलब ये है आप सब बोल करके गाली ग्रौज करके ठीक है गाली जो होता है गाली ग्रौज किसी को धमकी दे दिया या कोई इस तरह का आप जो है हरासमेंट वाला वीडियो बना रहे हैं जो कि दूसरे को जो है ना ये दूसरे के लिए मतलब आ, ठीक नहीं लग लगे ठीक है किसी क्रिएटर के क्रिएटर के बारे में कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है न हरासमेंट और साइबर बुलिंग के अंदर ही ये दोनों ही पॉलिसी आती है दोनों बातें आती हैं तो इस तरह की धमकी भरी बातें या फिर गाली गलौज या किसी क्रिएटर को किसी व्यूवर्स को किसी तरह के अपशब्द बोलने से ये मना करता है ये पॉलिसी तो आपको क्या करना है वीडियो के माध्यम से वीडियो में यूट्यूब वीडियो पे कोई ऐसा वीडियो नहीं लगाना है जिससे कि आपको लोगों को गाली गलौज करके या इस तरह का कुछ भी अपशब्द बोल करके आपको वीडियो नहीं लगाना है तो मतलब ये ये जो है यही यहाँ पे यह रोक लगाता है ठीक है तो अब आप समझेंगे आप, आप पूछेंगे कि मैंने किसी को किसको धमकी दी है ऐसी बात नहीं है मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है कुछ भी नहीं दिया मेरा जो स्ट्राइक मिला मुझे दोस्तों इससे मिल गया साइबर बुलिंग पॉलिसी से अब इसको समझते हैं देखिए यहाँ पे एंड है यानी हरासमेंट आप समझ गए हरासमेंट क्या दिक्कत होता है और यहाँ पर साइबर बुलिंग ठीक है साइबर बुलिंग दोस्तों इसके अंतर्गत जो है आप इसमें सबसे बड़ी बात जो है होता है साइबर बुलिंग पॉलिसी इसके इसका वायलेशन कब होता है जब आप जो है वीडियो के माध्यम से या वीडियो में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक है कोई भी किसी भी चाहे अपना या किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करते हैं ठीक है पब्लिकली कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है चाहे आपका हो या किसी का भी हो मेरा जो इसमें दोस्तों क्या हुआ था मैंने इसमें जो है पेन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बताया था वीडियो बनाया था पेन कार्ड के लिए है ना और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है कैसे आय निवास प्रमाण पत्र होता है जो जाति प्रमाण पत्र जो होता है तो वो चीज़ें मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो के माध्यम से मैंने जो है पर्सनल डिटेल मैंने उसमें ब्लर नहीं किया था दोस्तों कई यूट्यूबर आप सभी ज़्यादातर यूट्यूबर को सबको ही देखते होंगे कि वो जो भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं उसे जो है वो ब्लर कर देते हैं ब्लर करने का यही जो है यही आदेश है साइबर बुलिंग पॉलिसी वायलेशन ना हो जाए इसके लिए वो लोग और हम लोग जो है जो पर्सनल डिटेल्स होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है उसे ब्लर किया जाता है तो साइबर पॉलिसी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है आप किसी का पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पब्लिकली यहाँ पे वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं इसका वायलेशन होने का खतरा कब होता है जब आप कोई फॉर्म फिल करके बता रहे होते हैं वीडियो बना रहे होते हैं जैसे मैंने निवास प्रमाण पत्र बनाया था ऑनलाइन जो है निवास प्रमाण पत्र बनाने का जो है ना मैं वीडियो बनाया था बनाने का वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत मैंने जो है पर्सनली कैसे फील करना है क्या मैं सारा कुछ बता दिया था ठीक है मैंने ब्लर नहीं किया था इसके वजह से जो है हमें जो है ना स्ट्राइक मिल चुका दोस्तों एक स्ट्राइक आया ठीक है अब स्ट्राइक आया स्ट्राइक आने से क्या होता है ऐसे तीन स्ट्राइक आता है दोस्तों ठीक है पहला स्ट्राइक आएगा फिर आपने कोई वायलेशन इस तरह का कुछ कर दिया या और दूसरे कोई वायलेशन कर दिया तो दूसरा स्ट्राइक आएगा ठीक है फिर तीसरा स्ट्राइक आएगा ये जो है एक महीने के सॉरी तीन महीने के अंदर नब्बे दिनों के अंदर जो है आपको थ्री स्ट्राइक मिल गया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा ठीक है तो पहला ही स्ट्राइक हमको आया था पहला ही स्ट्राइक इस, इस तरह का जो वीडियो बनाया था निवास परमा को बनाने का मैंने तो इसमें इसमें पहला स्ट्रोक इस स्टॉक जैसे ही आया मैंने इस तरह का जितना भी वीडियो था सारा फटाफट डिलीट कर दिया मैंने पेन कार्ड बनाने का ट्रेन टिकट बनाने का या ऑनलाइन जिस तरह का जो भी मैंने जो भी चीज़ें बताया था सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिया आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको भी क्या करना है दोस्तों अब आपको तो इस तरह का वीडियो बिना ब्लर किए हुए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बिना ब्लर किए हुए उसको आपको यहाँ पर लगाना ही नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मुझे शायद पता नहीं था इसके वजह से मैंने वीडियो बनाया था और स्ट्राइक मिल चुका था स्ट्राइक मिलने की वजह से मैं तीन महीने तक जो है वीडियो ठीक से नहीं बना पाया था वैसे सात ही दिन तक आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं इस तरह का रुकावट इस तरह का रोक सिर्फ सात दिन का रहता है ठीक है पहला स्ट्राइक जो आता है सात दिन तक जो है ना आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं ठीक है वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं ना ही कोई पोस्ट कर सकते हैं ठीक है पहला स्ट्रोक आने पे स्ट्राइक आने पे जो फर्स्ट स्ट्राइक आता है सात दिन तक जो है ये आपको वीडियो अपलोड करने से मना करेगा नहीं कर सकते हैं और अब और कोई पोस्ट भी नहीं कर सकते हैं तो सात दिन तो मैंने कोई कुछ किया नहीं फिर मैंने सात दिन के बाद तीन महीने तक लगातार मैंने जो है आ, कुछ फ़ोटो पोस्ट किया मतलब खुल के वीडियो नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि काफ़ी मैं डिमोटिवेट हो गया था कि मेरा चैनल कहीं डिलीट ना हो जाए तीन महीने के अंदर कोई गलती हो जाएगी तो फिर तीसरा स्टॉक आ जाएगा तीन स्टॉक आ जाएंगे स्ट्राइक आ जाएंगे तो क्या होगा हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा इसके वजह से मैं दोस्तों काफ़ी मतलब सारा जो वीडियो है रेगुलर बनाते थे उस तरह का वीडियो में बनाना छोड़ दिया लेकिन अभी ही उनतीस मई को जो हमारा जो है ना स्ट्राइक नब्बे दिन का हो गया था तीन महीना कंप्लीट हो गया ठीक है तो थ्री मंथ मेरा जो है उनतीस मई पिछला उनतीस तारीख को मेरा जो है तीन महीना कंप्लीट हो गया दोस्तों डीमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों मेरा जो है थ्री मंथ के अंदर ही आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया इतना ज़्यादा देखा कि तीन महीने के अंदर ही मेरा चार हज़ार जो है वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो गया था और सब्सक्राइबर भी करीब करीब कंप्लीट होने ही वाला था इसमें लगभग नौ सौ आठ सौ कुछ हो गया था और अब मैं तैयारी कर रहा था कि मोनेटाइजेशन में भेजना है तब तक क्या हो गया ये स्ट्राइक आ गया इस तरह की वीडियो बनाने से तो इससे क्या हो गया दोस्तों मेरा काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया कम्प्लीट नहीं हुआ होता नब्बे परसेंट मेरा लगभग कम्प्लीट ही गया था नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट बोला जाए दोस्तों सिर्फ इसमें सब्सक्राइबर में ही कमी हुआ था जिसके वजह से मुझे जो है ज़्यादा मो डीमोटिवेट जैसा लगा और डिमोटिवेट हो गया और मैंने वीडियो ही बनाना छोड़ दिया तो आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग का जो पॉलिसी है इस तरह से आपको वायलेशन नहीं करना है और वीडियो जो भी बनाएंगे अगर आपको कोई फॉर्म फिल करके बताना है कोई ऑनलाइन का काम करके बताना है है ना तो पर्सनल डिटेल जो है आपको ब्लर कर देना है और वीडियो आप बिंदास बनाइए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी दोस्तों मैं आप उसी तरह से रेगुलर वीडियो बनाऊँगा जिस तरह से मैंने वीडियो बनाया था मैं दोस्तों वीडियो बनाता हूँ पल्लाइजर मशीन पे वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी सारा है। जो कि आप पल्लाइजर मशीन जो अभी मॉडर्न एज का जो आपका आटा चक्की आता है उस पर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाए हैं उस पर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ मेरे पास एक आटा चक्की मशीन है भी मैंने आपको दिखाया हुआ है वीडियो में तो इस इस पर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया है जो कि आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है और इसी त... इसी का जो है ना तीन से चार वीडियो जो है ना सिर्फ तीन से चार वीडियो में आप लोगों ने इसका मेरा जो है वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया तीन से चार वीडियो में इतना ज़्यादा आपने पसंद किया हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है और खुशी की बात यह है दोस्तों जैसे ही उनतीस तारीख को हमारा जो है स्ट्राइक हटा उनतीस तारीख को जब मैंने मोनेटाइजेशन में भी भेज दिया चैनल को चैनल जब मोनीटाइजेशन में भेज दिया तो इकतीस एक तारीख को अभी आज ही रात को जो है तीन बजे आपका ईमेल एक ईमेल आता है यू आप जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए आप अप्रूव्ड हो चुके हैं इस तरह का एक ईमेल आ गया जिससे जो है काफ़ी खुशी मिली दोस्तों और इसी से मैं आज से सोच लिया कि मैं आज से रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे काम करूंगा और आप लोगों के लिए कोई अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन बना करके आपको देता रहूँगा तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी वीडियो नहीं बनाने का और अब अब तो जो है चैनल भी मोनेटाइज हो गया दोस्तों तो नब्बे दिनों तक हमारा भले ही हमने वीडियो नहीं बना पाया लेकिन फिर भी हमारे जो वीडियोज बने हुए थे उस पर उसको आपने काफ़ी सारा देखा और उससे जो है हमारा वॉच टाइम भी गेन होते रहा और सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहे हालांकि मैंने बीच बीच में पोस्ट किया फ़ोटोज़ वग़ैरह थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियोज़ भी मैंने लगाए तो जो कि मैं जिस तरह वीडियो बनाता हूँ फेस में आकर के पूरा कैमरे में आकर इस तरह से वीडियो मैंने शायद ही बनाया ज़्यादा नहीं बनाया लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊँगा और को, 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 कोई ना कोई हेल्पफुल वीडियो लेकर के आपके लिए ज़रूर आता रहूँगा ये हमारा आपसे कमिटमेंट है दोस्तों इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उसका धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए क्योंकि मैं 90 दिनों तक मैं आपके लिए कोई ऐसा वीडियो नहीं बना पाया फिर भी आपने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद